अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज वर्ल्ड पाकिस्तान। तो यार फिंची कॉलोनी माशाल्लाह रेडी हो गई है। बेसिकली पोर्टेबल कॉलोनी बनाई है बिकॉज़ कराची का मौसम और कराची के हालात कुछ ऐसा चल रहे हैं कि कभी भी आंधी तूफ़ान बारिश आ जाता है। तो मैंने सोचा कि परमानेंट की जगह कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि स्पेस में भी बहुत ज़्यादा हो और वैसे भी लाइक अगर बारिश होती है, कोई मसला आता है तो बंदा उठा के इधर उधर शेड में कर सकता है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कितनी कॉलोनी मतलब कितनी बड़ी है, कितने पेयर आ सकते हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या हिसाब किताब है और आयरन केज वर्सेस वुडन केज में क्या फ़र्क है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो ये आपको विड्थ दिख रही है, जो इसकी यहाँ से चौड़ाई है, वो है 3 फिट 3 इंच, तकरीबन 3.5 फिट बनती है। तो अंदर 3 फिट 3 इंच है। और इसकी जो गहराई है, गहराई पे हम आते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2.5 फिट। और इसकी जो गहराई है, गहराई मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी पूरे, ये भी पूरे 2.5 फिट की है और ये अच्छा खासा एक स्पेस बनता है। अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो मैंने अभी सिर्फ 1, 2, 3 और एक वो छोटी सी 4 कोने पर 4 हांडियाँ लगाई हुई हैं। तो इस पर कॉस्ट मेरी क्या आई है और मैंने कौन कौन से पेयर इसमें रखे हुए हैं, एक मेरे पास पेंगुइन का पेयर पड़ा हुआ है फिंच में और एक मेरे पास थोड़ा सा मिक्स में है, मतलब ब्लैक चेक और थोड़ा सा ब्राउनिश में। तो फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, और फ़र्क के अलावा मैंने किस चीज़ का डिफरेंस देखा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इस फिंच को लाइव में मेरे पास अराउंड 1 महीना हो गया और मैंने इसको आयरन केज में रखा हुआ था बिकॉज़ मैंने ये बनाना था। तो उस आयरन केज में सबसे ज़्यादा मसला मुझे क्या आ रहा था, वो ये था कि फिंच ना ही हांडी में जा रही थी, ना ही इतना मुझे सही दिख रही थी। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा डरी सहमी फ्रस्ट्रेट। तो ब्रीड करवाना इनसे उस टाइम, मतलब आयरन केज में मुझे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा पेश आई। अभी मैंने वुडन केज बनाया है और अभी इन लोगों को इसके अंदर शिफ्ट किया, तो अगर आपको दिख रहा हो तो वो पेयर, उस पेयर ने जाते ही अपनी हांडी सेलेक्ट कर ली और उसके साथ वाले ने, वो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, इस पेयर ने अपनी हांडी सेलेक्ट कर ली है और माशाल्लाह ये पेयर जो है ये भी हांडी पर अपनी बैठ गया। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये फ़ीमेल बैठी हुई है इसके अंदर जो कि अपने नेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है इसने, और ये जो है ये अभी फ़ीमेल अंदर ही थी जिसने अपनी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली क्या खर्चा आया, क्या कॉस्ट आई और क्या हिसाब किताब है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सर्द आने वाला है। तो कॉलोनी बनाई जो गई है उसकी मेन वजह ही ये थी कि सर्दियों में इनसे ब्रीड लेनी है। अगर आप देखें तो पूरा आपको केज लकड़ी का दिख रहा होगा, इस लकड़ी के केज के पीछे जो आपको छत दिख रही है, जो बैक साइड है उसको कंप्लीट लकड़ी से बंद किया गया। उस पर लकड़ी लगाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब सर्दी होती है तो दीवारें होती हैं ठंडी और जब गर्मी होती है तो दीवारें होती हैं और ज़्यादा गर्म। लकड़ी वाहिद एक वो चीज़ है जो ना ही ज़्यादा सर्द होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहती है और केज को भी नॉर्मल टेम्परेचर रखती है। इसी तरह इसकी जो ये वाली जगह है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो भी पूरा लकड़ियों पे बना हुआ है। इसके अंदर लोहे का सिर्फ जो काम हुआ है वो ये हैंडल लगा है, इसके अलावा इसके अंदर लोहे का कुछ भी नहीं है। कॉस्ट मेरी इस पर क्या आई है, अगर आप ये मार्केट से बनवाओ तो बहुत महंगा बनेगा फॉर श्योर। इस पर मुझे कॉस्ट तकरीबन 3000 के करीब आ गई है, 3000 में बेहतरीन लकड़ी, हर चीज़ खुद बनाई है। तो ये जितना आपको दिख रहा है, जाली लकड़ी, नीचे वाली लकड़ियाँ, वो वाली लकड़ियाँ, और ये जितना आपको मतलब थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग दिख रही है, ये सब खुद किया है और इस पर तकरीबन 3000 का खर्चा आया है। ऊपर जो छत लगाई है वो भी लकड़ी की है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दी है कि अगर बारिश आती है तो बच सकें। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। मैं इनको खाने में क्या देता हूँ, खाने में मैं इनको कंगनी देता हूँ बारीक वाली और साफ़ सुथरा पानी। अब आते हैं कि फिंचिस के लिए इतना बड़ा केज क्यों, मतलब इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन के आराम सुकून से 6 से 8 पेयर आ सकते हैं, ये इतनी बड़ी कॉलोनी है। लाइक मेरी जो प्रीवियस कॉलोनी हुआ करती थी उनकी चौड़ाई 3.5 फिट हुआ करती थी और बाकी उनकी लंबाई ही होती थी, तो इसकी भी वही हिसाब किताब है। इसकी चौड़ाई 3.5 फिट है, गहराई इसकी 2.5 फिट है या उससे थोड़े 1-2 इंच ज़्यादा ही है। तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली रेट बता रहा हूँ, इसकी ऊंचाई भी 2.5 फिट से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। प्रॉपर 2.5 फिट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो, लेकिन उसमें 1-2 इंच ज़्यादा ही हैं। तो स्टिक्स मैंने 2 किस्म के लगाई हैं, एक सामने लगा दी है और एक इस साइड पे कोने पे करके लगाई है ये, ताकि फिंचेस को उड़ने में खाने पीने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब हम आते हैं कि भाई फ़ायदा क्या होता है। देखो, फिंच वो वाहिद परिंदा है
जो जिसको आप अगर छोटी सी जगह में रखोगे ना तो आप उससे अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं ले सकते, और अगर आप उससे ब्रीड ले भी लो तो वो मे भी आपको वो मज़ेदारी वाला रिजल्ट ना दिखे। जैसे ऑस्ट्रेलियन का होता है कि आपने अलग अलग केज में रख दिया, बहुत बेहतरीन ब्रीड देते हैं क्योंकि इनमें लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई आपस में मादियाँ मादी को मारने लग जाती है, नर नर पे चढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फिंच एक वो ऐसा बर्ड है जो खुशी से ब्रीड करता है जब वो 3-4 फिंच के पेयर के साथ होता है। आप इसको अलग करके इससे ब्रीड लेने की कोशिश करोगे, कर तो लेगी ब्रीड लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं देगी। आप अगर इसको पेयर में किसी कॉलोनी में छोड़ोगे, मतलब 1-2-3 पेयर एक साथ छोड़ दोगे, तो आप रिज़ल्ट देखना आपको लग पता जाएगा, मतलब अंडे बच्चे भी आएंगे, आपकी फिंच भी खुश रहेगी, बीमार भी नहीं पड़ेगी। और लकड़ी के केज में इसको रखा ही इस वजह से जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड है, कि इतना सेंसिटिव है कि अगर सर्दी चल रही है और एक लोहे के केज में मेरे ऑस्ट्रेलियन है और उसी केज में मेरी फिंच है, तो चांसेस सबसे ज़्यादा ये हैं कि मेरी फिंच बीमार हो जाएंगी। इनको सर्द गर्म में थोड़ा सा महफूज करके रखना पड़ता है, और लकड़ी का केज इस चीज़ में बहुत बेहतरीन कारामत साबित होता है क्योंकि ये एक आइसोलेटर का काम करता है। तो इस वजह से मैंने आपको डेप्थ बताई है कि लकड़ी का केज हम यूज़ क्यों करते हैं। सेकेंडली, ये बर्ड वो है जो अकेले ब्रीड खुशी से नहीं करेगा, इसको लाजमी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब इससे ब्रीड ले रहे हैं तो आप कम से कम 2-3-4 पेयर छोड़ दें। तो इस कॉलोनी में जो आपको ये कॉलोनी देख रही है, इसमें बेटे 8 पेयर खुशी खुशी आ सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अभी मैंने सिर्फ 2 पेयर रखे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं पेयर्स का एडिशन करता जाऊँगा, क्योंकि फिंच थोड़ी सी शॉर्ट चल रही है और काम की और अच्छी चीज़ मिलती नहीं है। तो जैसे मिलती जाएगी आपको इंशाल्लाह इस कॉलोनी की प्रोग्रेस और इस कॉलोनी से लेके फिंच से रिलेटेड सारी चीज़ें आती रहेंगी, कि इनको क्या खिलाना है, किस तरह रखना है, सब कुछ। तो तब तक के लिए देखते रहें बजीज वर्ल्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।